स्टीरअप और लेटरल टाई के बीच का डिफरेंस क्या होता है, आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो है ना, ये कॉलम का रेनफोर्समेंट है, ठीक है। ये आप देख रहे हो वर्टिकल, ये कॉलम का रेनफोर्समेंट है, और ये बॉटम में आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, ये बीम का रेनफोर्समेंट है। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको इस कॉलम के अंदर यहां पर ये रिंग दिख रही है, और उसी तरह की रिंग आपको इस बीम के अंदर भी दिख रही होगी, ठीक है। अब इनका मेन डिफरेंस क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो रिंग कॉलम के अंदर प्रोवाइड की जा रही है उसको हम लेटरल टाई कहेंगे, और जो रिंग बीम के अंदर प्रोवाइड की जा रही है उसको हम स्टीरअप्स कहेंगे, ठीक है। ये आपको पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि रिंग में लेटरल टाई और स्टीरअप का क्या डिफरेंस है। उसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो, जब भी आप रिंग प्रोवाइड करते हो तो रिंग चाहे आप कॉलम में प्रोवाइड करो या बीम में प्रोवाइड करो, इनका जो यहां पर ये हुक होता है, जो क्लोजिंग हुक होता है, ये हमेशा इस तरह से 135 डिग्री पर बैंड होना चाहिए। और 135 डिग्री पर बैंड होने के बाद एज पर IS 2502 आपका ये जो हुक लेंथ होना चाहिए, ये हुक लेंथ जो होना चाहिए आपका, वो मिनिमम 3 इंच का होना चाहिए।